Dear students, today's topic of discussion is block diagram reduction technique. से अपन एक किसी block diagram के question को solve करेंगे. जैसे कि आपको question दिया हुआ है जिसमें एक summing point है, यहाँ पर एक summing point है, ये summing point है और ये take off point है, यहाँ पर ये feedback है, ये देखिए, और ये यहाँ पे फीडबैक है, यूनिटी फीडबैक है. इसका यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर नहीं लगी हो तो दैट इज़ यूनिटी फीडबैक. दिस इज़ यूनिटी फीडबैक, दिस इज़ यूनिटी फीडबैक. बैक साइड में जा रहा हो कोई भी सिग्नल, आगे से पीछे की तरफ जा रहा हो तो फीडबैक कहलाता है. तो इसको सॉल्व करने के लिए ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में देखिए, सबसे पहले ये डॉटेड पोर्शन में दिया हुआ है आपको, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए, ये दोनों ब्लॉक डायरेक्ट कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो ये मल्टीप्लिकेशन होके वन अपॉन एस सी टू आर टू आ जाएगा. ठीक है, ये एस सी टू आर टू यहाँ पर कंबाइंड हो जाएगा और यूनिटी फीडबैक से ये आपका क्लोज लूप का एक फॉर्मूला लग जाएगा, वन अपॉन जी एस एच एस, वन जी एस अपॉन वन प्लस जी एच एच एस. क्लोज लूप के लिए ये फॉर्मूला है जो अपन ने फर्स्ट डे ट्रांसफर फंक्शन में यूज करने के लिए यूज किया था. तो उससे आपका ये एक सिंगल ये वाला एक गेन है, यहाँ पे यूनिटी फीडबैक एच जो है वन है, ये गेन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके आ जाएगा तो ये गेन बन जाएगा. इसके बाद अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें देखिए, आप ये टेक ऑफ पॉइंट जो है यहाँ पर है, इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए. इसको यहाँ शिफ्ट करने से एक लूप बन जाएगा ये वाला, ये नेक्स्ट स्टेप में दिखाया हुआ है. तो ये देखिए, टेक ऑफ पॉइंट यहाँ शिफ्ट किया तो ये जो आपका ये जो गेन था ये वन अपॉन होके यहाँ पर आया, तो ये सीधा आर टू सी टू एस प्लस वन आ गया, वन अपॉन आर टू सी टू एस आके ये यहाँ पे हो गया गेन, क्योंकि ये ब्लॉक के इस तरफ शिफ्ट करने पर गेन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये गेन यहाँ आ गया. अब ये देखिए, अब सिंपल फिर वापस से एक वो क्लोज लूप पाथ बन जाता है इसमें, ये तो गेन बन जाएगा, ये फीडबैक पाथ बन जाएगा. तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उसके बाद ये फीडबैक का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, तो ये स्टेप आ जाएगा. इस स्टेप के बाद देखिए, ये स्टेप में ये कंप्लीट ब्लॉक एलिमिनेट होके एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया, ये एक ब्लॉक बन गया. इसमें ये दूसरा ब्लॉक ये है ही, यहाँ पर ये लगा दिया फीडबैक पाथ, ये सिंपल है ही, तो ये वाला आपका कंप्लीट एक लूप बन गया. अब देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो गेन आपस में जब आपके कैस्केड में जुड़े हों, सीधे सीरीज में जुड़े हों, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दिया. और एक ये फीडबैक लूप है, तो आपका वही फॉर्मूला क्लोज लूप के बाद जी और एच के फॉर्म में क्या होता है, जी अपॉन वन प्लस जी एच एस एस, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा, तो जी अपॉन वन प्लस जी एस एच एस ये आ जाएगा. इस ये वाले को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये एक ब्लॉक डायग्राम में, एक ब्लॉक में कंप्लीट क्वेश्चन डेवलप हो जाएगा. ये जो ट्रांसफर फंक्शन कई सारे ब्लॉक्स में था, तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक यूज करने के उपरांत एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, ये आउटपुट हो जाएगा, ये इनपुट हो जाएगा, और आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल्स टू दिस थिंग, ये गेन. तो ये डायरेक्टली इधर से ऐसी इस कंडीशन में आप यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसलिए ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के द्वारा इसको सॉल्व किया जाता है. इसको मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये देखिए, इस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा जिसमें तीन समिंग पॉइंट होंगे और दो टेक ऑफ पॉइंट हैं, तीन टेक ऑफ पॉइंट हैं, यहाँ से टेक ऑफ पॉइंट हैं. जब कोई फीडबैक के पाथ में कुछ भी नहीं दिया हो ब्लॉक में, तो उसे वन माना जाएगा, यहाँ पे वन यूनिटी फीडबैक कहलाएगा वो. तो सबसे पहले अपन ने इस वाले ब्लॉक को देखा, पहले तो ये टेक ऑफ पॉइंट को अपन ने यहाँ शिफ्ट किया. सबसे पहले ये वाले टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करने पर जो है ये जो आपका इधर शिफ्ट होगा, तो इस वाले पार्ट का वन अपॉन पार्ट ऊपर ब्लॉक में आ जाएगा. ये आपके फॉर्मूले में मैंने समझाया हुआ था. तो देखिए, आप इसको यहाँ शिफ्ट करने पर ये देखो फीडबैक में यहाँ आर टू आ जाएगा, वन अपॉन आर टू आएगा, तो ये आर टू हो जाएगा ऊपर आके. फिर इस लूप को अपन ने ये दो कैस्केड में जुड़े हुए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो जी और एच जो है वो वन है, तो जी अपॉन वन प्लस, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है तो वन प्लस जी एच एच एस होता है, एच एस की जगह वन हो जाएगा. तो इस वाले में यहाँ फार्मूला लगा, एक फार्मूला उससे आपका ये बन गया. और उसके बाद इस टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ लाए, तो इस वाले चीज को अपन ने यहाँ पर वन अपॉन में लिखा, तो आर टू सी टू एस प्लस वन आ जाएगा यहाँ पर, आर टू सी टू एस प्लस वन, और ये टेक ऑफ पॉइंट यहाँ चला जाएगा. उसके बाद इस लूप को सॉल्व किया,
इस लूप को सॉल्व करने के लिए ये यहाँ इन दोनों लूप, ये दोनों जो ब्लॉक्स हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और एक फीडबैक लूप है, तो वही फीडबैक वाला फॉर्मूला यूज करते हुए अपन इसको बनाएंगे। और उसके बाद फिर ये कंप्लीट जो इसका ब्लॉक बनेगा वो ये बन गया। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है सेकंड ब्लॉक से, क्योंकि ये कैस्केड में जुड़े हुए हैं। उसके बाद और एक ये फीडबैक लूप है, तो वही 1g/1+GHHS वाले फॉर्मूले से ये लूप डेवलप कर लिया जाता है। इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से फॉर्मूले यूज करते हुए ब्लॉक डायग्राम को एक कंप्लीट क्वेश्चन को आपने एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। इससे डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन में निकाला जा सकता है, जैसे दिस इज आउटपुट दिस इज इनपुट, तो आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल्स टू दिस ब्लॉक गेन, ये गेन कहलाता है। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर फंक्शंस। ये इस तरीके से अपन, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ द वेरियस फॉर्मूला यूज्ड इन ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, उसको यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। इट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।